To get all notifications, click here, and click here. Enjoy! Hello everyone! Welcome to Are We Out of Box? ऋतु परिवर्तन के समय रोगों के प्रकोप का बढ़ना एक सामान्य बात है। आधुनिक युग में उपलब्ध दवाएं बहुत प्रभावकारी होती है, पर ऐसा नहीं कि इनका कोई और विकल्प नहीं है। इन रोगों से मुक्त होने के लिए आजकल लोग योग को अपने जीवन में अपनाकर अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। एयर पॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीज, जैसे कि नाज़ल एलर्जी, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर। इट हैज बीन फाउंड दैट योगा हैज इम्प्रूव्ड पल्मोनरी पैरामीटर्स इन सेवरल साइंटिफिक स्टडीज, बोथ इन हेल्दी एज वेल एज इन डिजीज्ड individuals. Yoga is an excellent form of exercise for anyone with COPD, जिससे हम दोनों physical और emotional health improve कर सकते हैं. Yoga एक ऐसी exercise है जो perfect option है cough, cold से लेके flu और sinusitis तक. तो चलिए perform करते हैं chest stretching और प्राणायाम पूर्ण मत्स्यासना fish yoga posture. मत्स्यासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएं. अब पीछे की अपने दोनों हाथों से आधार ले लें और धीरे धीरे झुकते हुए लेट जाएं. अब दोनों हाथों को अपने सिर के पास ले जाएं और हाथों का आधार लेकर और पीठ के हिस्से को ऊपर उठाकर गर्दन मोड़ते हुए सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर टिकाए. अब अपने दोनों पैर के अंगूठों को हाथों से पकड़े और ध्यान रहे. यह आसन करते समय श्वसन की गति नियमित रखें और 5 मिनट तक इस योग क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं और कम से कम 5 सेकंड तक कर सकते हैं. शुरुआती तौर पर कभी कभी इस मुद्रा को करने से गर्दन में तनाव महसूस होता है. शुरुआत में इसे करने से हो भी सकता है कि आपकी गर्दन या गले में असुविधा महसूस करें. इसके लिए आपको यदि इसे करने से परेशानी महसूस हो रही है तो इस फिश योगा पोज को करते वक्त सिर के पीछे की ओर कंबल रखें. ब्रिज पोज, कंधरासना, शोल्डर स्टैंड पोज. इस आसन को करने के लिए शवासन की स्थिति में यानी कि पीठ के बल लेट जाए. अब अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा अपने शरीर के समांतर रखें. इसके बाद अपने दोनों पैरों को घुटनों के यहाँ से मोड़ ले यानी पैरों को जमीन से टिका ले. उसके बाद दोनों हाथों से दोनों पैरों के एड़ी के थोड़े ऊपर साइड पकड़े या फिर ऊपर की साइड रख दे. पैरों पर जोर देते हुए छाती, कमर, पीठ, जांघों और नितंबों को ऊपर की ओर उठाए. अपनी रीढ़ की हड्डी में पूरी तरह से खींचाव रखे. पैरों और कंधों को स्थायी रखें और नाभि को जितना ऊपर कर सके करें. सुनिश्चित करें कि आपके शरीर का संपूर्ण भार आपके पैरों और कंधों पर हो. इस स्थिति में आप 2-3 मिनट तक रहें और सामान्य रूप से सांस को लेते रहें. अब आप धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक स्थिति में आए और गहरी सांस लेके आराम करें. इस आसन को आप 5-10 बार कर सकते हैं. यह ब्रोंकियल कंडीशंस के लिए उत्कृष्ट आसन है. धनुरासना यानी कि बो पोज. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े और अपने हाथों से टखनों को पकड़े. अब सांस लेते हुए आप अपने सीट, चेस्ट एवं जांघ को ऊपर की ओर उठाएं. अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करने चाहें तो ये अस्थमा, थायराइड और कोई भी सीजनल इन्फेक्शंस जैसे कि फ्लू, कोल्ड, कफ में बहुत ही फायदेमंद होता है. उस्ट्रासना, केमल पोज. इस आसन को करने के लिए वज्रासन में बैठ जाए. बाजुओं को धड़ के साथ रखकर घुटनों पर खड़े हो जाए. घुटनों को एक साथ जोड़कर रखें और पैरों को भी, लेकिन यह अगर मुश्किल लगे तो अलग भी रख सकते हैं. अब धीरे धीरे पीछे की ओर झुके और दाएं हाथ से दाई एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें और बाएं हाथ से बाई एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें. अपने उदर को आगे बढ़ाए, जांघों को सीधा रखने की कोशिश करें और जितना संभव हो सिर और मेरुदंड को पीछे झुकाएं.
जब खींचाव महसूस हो तब पूरे शरीर विशेष रूप से पीठ की मांसपेशियों को शिथिल रखने की कोशिश करें और जितनी देर तक आरामदायक लगे उतनी देर तक ही अंतिम स्थिति में रहे। यह आसन करने से चेस्ट एक्सपांड होती है और रेस्पिरेशन से हमारे लंग्स को मसाज मिलता है जिससे हमारे लंग्स स्ट्रेंथन हो सकते हैं। चक्रासना व्हील पोज। इस आसन को करने के लिए जमीन पर पीठ के बल शवासन की स्थिति में लेट जाएं और फिर दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर बनाएं तथा पैरों के तलवों और एड़ियों को जमीन से लगाएं। अब दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर हाथों को जमीन पर कान के पास इस प्रकार लगाएं कि उंगलियां कंधों की ओर और तथा हथेलियां समतल जमीन पर टिक जाए। अब शरीर को हल्का ढीला छोड़े और गहरी सांस ले और दोनों पैरों के घुटनों को मोड़े और पैरों और हाथों को सीधा करते हुए कमर पीठ तथा छाती को ऊपर की ओर उठाए। सिर को कमर की ओर ले जाने का प्रयास करें तथा शरीर को ऊपर करते समय सांस रोक कर रखें। अंतिम स्थिति में पीठ को सुविधा अनुसार पहिए का आकार देने की कोशिश करें। शुरुआत में आप इस आसन को 15 सेकंड तक करने का प्रयत्न करें। अभ्यास अच्छे से हो जाने पर 2 मिनट तक कर सकते हैं। कुछ समय पश्चात शवासन की अवस्था में लौट आए। यह एक और आसन है जिससे हम हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी डिसीज को दूर रख सकते हैं। भुजंगासना कोबरा पोज। अनदर चेस्ट स्ट्रेंथनिंग पोज। भुजंगासन करने के लिए जमीन पर पेट के बल लेट जाए, पैर एकदम सीधे रखें, पाँव और एड़ियों को भी एक साथ रखें। दोनों हाथ दोनों कंधों के बराबर नीचे रखें और दोनों कोहनियों को शरीर के समीप और समांतर रखें। अब लंबी सांस लेते हुए धीरे से मस्तक फिर छाती और बाद में पेट को आकाश की तरफ उठाएं। नाभि को जमीन पे ही रखें। शरीर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों का सहारा लें और कमर के पीछे की ओर खींचे। गौर फरमाइए दोनों बाजुओं पे एक समान भार बनाए रखें। फिर गर्दन उठाते हुए ऊपर की ओर देखें। आवश्यकता हो तो कोहनियों को मोड़ भी सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पैर अभी तक सीधे ही है। हल्की मुस्कान बनाए और लंबी सांसें ले और छोड़े। अपनी क्षमता के अनुसार ही शरीर को ताने बहुत ज्यादा मोड़ना हानिप्रद हो सकता है। अब श्वास छोड़ते हुए वापस जमीन पर ले आए। आप इस आसन को रोजाना 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। अब आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्राणायाम जिससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं, जिससे कफ कोल्ड फ्लू या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की होने की संभावना कम कर सकते हैं। So let's practice अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबसे पहले अपने राइट हैंड के थंब को राइट नॉस्ट्रिल पर रखें और उंगली को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर। अब दोनों नॉस्ट्रिल को क्रमशः बदल कर सांस लेनी है और छोड़नी है। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर ले, रोक सके उतनी देर अंदर रोके और फिर राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाले। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर ले और रुक कर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालें, जिससे फेफड़ों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 7 से 8 बार दिन में 2 से 3 बार अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम। इसे करने के लिए आप समतल और हवादार स्थान पर सुखासन में बैठकर इस क्रिया को किया जाता है। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। अब नाक के दोनों नॉस्ट्रिल्स या फिर छिद्र से तेजी से गहरी सांस लें, फिर सांस को बिना रोके बाहर तेजी से छोड़ें। इस तरह कई बार तेज गति से सांस लें और फिर उसी तेज गति से सांस छोड़ते हुए इस प्रक्रिया को करें। इस क्रिया में पहले कम और बाद में धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाएं। इस प्राणायाम से कुंडलिनी जागरण से लेके हमारे फेफड़े पाचन शक्ति को स्वस्थ बनाता है और सांस संबंधी कई बीमारियां भी दूर रहती है। इससे वायरल इन्फेक्शन कोल्ड फ्लू और कफ में भी बहुत राहत मिलती है। इन सभी प्राणायामों को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। कपाल भाती प्राणायाम। इसको करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। इस प्राणायाम में सांस को दोनों नोस्ट्रिल पर दबाव बनाते हुए जोर से छोड़ते हैं। पेट को अंदर लेते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाना है। इस प्राणायाम को अपनी क्षमता के अनुसार करें। जिन्हें अस्थमा है या फिर हार्ट सर्जरी कराई हुई है,
वो लोग इसे बहुत ही आराम से करें और कम मात्रा में करें। इस प्राणायाम को धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते रहना है। इसके अभ्यास से हमारी श्वसन नलिका में उपस्थित अवरोध खुल जाता है, जिससे सांसों का आवागमन आसान हो जाता है। इस प्राणायाम को 2 से 3 बार का अभ्यास दिन में 2 बार करने से आपको राहत मिलेगी और शरीर ऊर्जावान बनता है। इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आरआई आउटलुक बॉक्स एंड गिव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर थॉट्स इनटू द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। प्लीज डू शेयर विद एवरीवन। Thank you.